नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक की नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो बेस्ट स्टॉक बताने वाला हूं, जिनमें आपको कल यानी फ्राइडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो बने रहें। उससे पहले मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में जो दो स्टॉक दिए थे उनके परफॉर्मेंस चेक करेंगे, देखेंगे कि आज उन्होंने कैसा कि आपको प्रॉफिट देखने को मिला या लॉस देखने को मिला। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मैं उसमें कुछ इंट्राडे की कॉल देता रहता हूँ, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरी जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरी यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश स्केलेबल होते हैं, कोई फ्यूचर स्केलेबल नहीं होता है। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें, सभी कॉल्स कैश स्केलेबल ही होते हैं, फ्यूचर स्केलेबल नहीं होते हैं, चीज़ को आप ध्यान में रखें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूँ, मेरे में आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक था सीएट का, देखिए सीएट मैंने आपको सेल दिया था 964 के नीचे, तो यहाँ पर हमारी सेल कॉल कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुई क्योंकि स्टॉक नीचे नहीं आया। अगर बात करें बाई साइड की, मैंने आपको बाई दिया था 971 के ऊपर, तो यहाँ पर अपनी पहली कैंडल में इसने ओपन किया 971 पर, यहीं पर हमारी बाई कॉल एक्टिवेट हो गई। इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 977 का, उसको इसने अपनी पहली कैंडल में हिट कर दिया, इसने हाई लगाया 978 का और यहीं पर हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। आगे जाकर इस स्टॉक ने हाई लगाया यहाँ पर 981 का। जो हमारा सेकंड टारगेट था उसको इसने हिट नहीं किया, जो कि था 984 का, लेकिन फिर भी इसने हमारे फर्स्ट टारगेट से भी 3-4 पॉइंट और ऊपर तक मूवमेंट किया। तो आशा करता हूँ आपको सीएट में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, हालांकि बाद में स्टॉक पूरे दिन एक रेंज में ही रहा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक था उसकी मूवमेंट कैसी रही। दोस्तों, हमारा जो दूसरा स्टॉक था गोदरेज सीपी का, देखिए गोदरेज सीपी को मैंने आपको बाय दिया था 674 के ऊपर, तो यहाँ पर इसमें हमारी कॉल एक्टिवेट भी हुई और इसने 3 पॉइंट ऊपर का हाई भी लगाया, इसने हाई लगाया 767 के आसपास का, उसके बाद स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर इसने आकर हमारे बाई साइड के स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। लेकिन अगर बात करें सेल साइड की, मैंने आपको इसको सेल दिया था 662 के नीचे, माफी चाहूँगा 667 के नीचे, तो यहाँ पर इस कैंडल में हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई। इसमें मेरा जो पहला टारगेट था 662 का, उसको यहाँ पर इसने यहाँ पर हिट किया, आप देख सकते हैं इस कैंडल में लो लगाया इसने 662 का। आगे जाकर इस स्टॉक ने लो लगाया 659 का, जो इसमें हमारा सेकेंड टारगेट था 658 का, उसको इसने सिर्फ एक पॉइंट से मिस किया हमारे सेकंड टारगेट को। तो अगर आपको यहाँ पर बाई साइड में लॉस भी हुआ होगा तो आप सेल साइड में आप ट्रेड करके अपना लॉस रिकवर कर सकते थे और उससे भी आपको अधिक प्रॉफिट देखने को मिलता। तो ये थे दोनों स्टॉक। अब चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए जो फ्राइडे के लिए दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो कौन से हैं, उनकी मूवमेंट आपको कैसे देखने को मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप स्टॉक की तरफ से एक ऑफर चल रहा है, अगर आप स्टॉक 500 का कूपन कोड यूज करते हैं, वो प्रोमो कोड को, तो आपको अकाउंट ओपन होने के बाद आपको 500 का फ्लिपकार्ट का बाउचर, शॉपिंग बाउचर मिल जाएगा, जिससे आप अपना 500 का फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। तो उससे आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है 500 का। इसके साथ ही अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको लाइव मार्केट पर इंटर की कॉल्स मिलेंगे, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो उससे भी आप एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर बात करें पहले स्टॉक की, मैंने आपके लिए जो पहला स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ एलटी का, देखिए एलटी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, स्टॉक ने अपने फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी हुई है। तो कल अगर अपने इस हाई को ब्रेक करता है, निकलता है साइड में, तो इसको बाई करेंगे 1284 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1276 का, हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 1292, सेकेंड टारगेट 1300, अंतिम टारगेट रहेगा 1308 का। अगर एलटी नीचे को निकलेगा तो इसको सेल करेंगे 1275 के नीचे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1483 का, हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 1267, सेकेंड टारगेट 1259, अंतिम टारगेट रहेगा 1251 का। चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है। हमारा आज का दूसरा स्टॉक है रायमंड का, देखिए रायमंड ने एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बनाया है, तो अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता निकलता है साइड में, तो इसको हम बाई करेंगे 682 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा 677 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 687, सेकेंड टारगेट 692, अंतिम टारगेट होगा 697 का। अगर रायमंड नीचे की ओर निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे 676 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 681 का, हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 671, सेकेंड टारगेट 666 का हुआ, अंतिम टारगेट रहेगा 661 का। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।